तो गाइस, आज के वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप विचर 3 के स्टार्टिंग में अपने कैरेक्टर का लेवल बढ़ा सकते हो और अलग अलग स्किल्स को अनलॉक कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ प्लेस ऑफ पावर की। प्लेस ऑफ पावर एक ऐसा मैजिकल रॉक है जो आपको ड्रॉ करने पर एक एबिलिटी पॉइंट देता है। विचर 3 में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस ऑफ पावर हैं जो हर लोकेशन में हमें मिल जाते हैं। अभी मेरा लोकेशन वाइट ऑर्चर्ड है और वाइट ऑर्चर्ड में टोटल 6 प्लेसेस ऑफ पावर हैं जो हमें एक्सप्लोर करने पर मिलते हैं। तो आज हम वाइट ऑर्चर्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपना मैप ओपन करना है वाइट ऑर्चर्ड का। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेसेस ऑफ पावर, जूम आउट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं पूरे मैप में है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से। इस एरिया को मार्क कर देते हैं। चलो फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस ऑफ पावर पा चुके हैं और यहाँ पे एक रेत है। आई थिंक हमें फाइट करना पड़ेगा। रेत के लिए एडन साइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो वो रेत अब जा चुका है और हम इस प्लेस ऑफ पावर से पावर ड्रॉ कर लेते हैं। एक एबिलिटी पॉइंट मिल चुका है। अब अगले प्लेस ऑफ पावर के लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे एक मॉन्स्टर नेस्ट भी है। मैजिक, अ प्लेस ऑफ पावर। तो इन्हें भी मार देते हैं। यहां से भी पावर ड्रॉ कर लेते हैं। एक और एबिलिटी पॉइंट मिल गया हमें। तो अगले लोकेशन पे चलते हैं। मैप पे मार्क कर लेते हैं ये। Medallion's humming. Place of power. It's तो हम इस प्लेस ऑफ पावर के पास आ गए हैं। अब यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 3 एबिलिटी पॉइंट मिल चुके हैं अब तक। नेक्स्ट लोकेशन मार्क करते हैं। ये बार तो हम फोर्थ लोकेशन पे आ चुके हैं। यहां से भी पावर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास 4 एबिलिटी पॉइंट्स हो गए हैं। 2 और हैं। तो अगला प्लेस ऑफ पावर यहाँ पे है, इसे मार्क कर लेते हैं और चलते हैं।
magic, a place of power. तो हम यहाँ फिफ्थ लोकेशन पे आ चुके हैं प्लेस ऑफ पावर के. यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं. बहुत ही इजी था. अब हमारे पास 5 एबिलिटी पॉइंट्स हो गए हैं. मैं देखता हूँ. ये देखें, 5 पॉइंट्स अवेलेबल. लास्ट लोकेशन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे. Come on, Roach. तो हम लास्ट लोकेशन पे आ चुके हैं प्लेस ऑफ पावर के, और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, इन्हें मारना होगा पहले. इग्नी साइन यूज करता हूँ. सारे मर गए. यहाँ पे एक मॉन्स्टर नेस्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे गूल्स थे. A place of power. Ghoul nest. Ought to just destroy it. यहाँ से पावर ड्रॉ कर. तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास 6 पॉइंट्स अवेलेबल हैं. इन 6 पॉइंट्स से हम डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स अनलॉक कर सकते हैं और गेम को थोड़ा इजी बना सकते हैं अपने लिए. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस.